की दृष्टि आध्यात्मिक हो चुकी है। जो कण कण में भगवान को देखने लगे हैं वो कहते हैं शिवलिंग के स्थापना करने की आवश्यकता क्या है, सब जगह तो शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं लोग, चलते चलते फिरते लोग, इनके हृदय में भी तो भगवान है। और जब इनके हृदय में भगवान है तो जिस मूर्ति के अंदर भगवान है वो पूरी की पूरी मूर्ति ही भगवान है। इसलिए जो कुछ भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं सब भगवान शिव का ही स्वरूप है। जित देखूं तित श्याममयी है। तो उनके लिए जिसको वो देखेंगे वही उनकी दृष्टि में शिव दिखाई देगा। वो पेड़ को देखेंगे तो पेड़ में भी परमात्मा को देखेंगे, वो पौधे को देखेंगे तो पौधे में भी परमात्मा को देखेंगे, और मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति में भी परमात्मा को देखेंगे, और व्यक्तियों को देखेंगे तो उनमें भी परमात्मा का को देखेंगे। वो सबका सम्मान करेंगे, वो सबकी पूजा करेंगे, वो किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से परायापन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि परमात्मा दृष्टि हो चुकी है। अब वो जहां देखते हैं वहीं उनको परमात्मा दिखाई देता है। तत्व दृष्टि भी उनको कहा जा सकता है। तो उनके लिए जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब शिवलिंग ही हैं। इसी तरह से एक पुराण में गुरु लिंग बताया गया है, बड़े विस्तार से बताया गया है, हम तो संक्षेप में कह रहे हैं। वो कहते हैं जो गुरु है वो साक्षात शिवलिंग ही है। गुरु शिव जी की पूजा करना हो तो गुरु जी की पूजा जाकर के कर देना चाहिए। गुरु जी की पूजा साक्षात शिव की पूजा है। पुराण कहता है गुणारुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। जो गुण है उनका अवरोध कर देने वाला इसी का नाम है गुरु। गुणारुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। गु माने गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और रु माने उसका रुंधन कर देने, रोंध देने वाला, रोक देने वाला। ये हम जो हैं ये क्यों हम हैं, जीव क्यों हो गए? क्योंकि तीन गुण आ गए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। वो सत तीनों गुण हमारे शरीर में हर समय संचारण कर रहे हैं। कभी हम सात्विक हो जाते हैं, हमको दया आने लगती है, कभी राजस हो जाते हैं, हम शासन करना चाहते हैं, कभी तामस होकर के हम बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, सो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। तो ये जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है, यही इन्हीं तीनों गुणों ने हमको जीव भाव प्रदान कर दिया है। ये हमारे अंदर सो जो जीव भाव है, जिसको पशु भाव भी कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, उस जीव भाव को, उस पशु भाव को जो निकाल करके बाहर कर दे, रूंध दे, उसी का नाम है गुरु। इसलिए गुरु जो है वो शिव है। गुणत्रपम गुणत्रयम् व्यपोह्याग्रे शिवम् बोधयतीति सः विश्वस्तानाम् तु शिष्याणाम् गुरुरित्य विधीयते। जो स्वीकार गुणों के अवरोधक हैं, माने हमको गुणातीत बना देने वाले हैं, उन्हीं का नाम है गुरु। वो तीनों गुणों का व्यपोहन करके, तीनों गुणों को परे ढकेल करके जो शिव तत्व है उसका बोध हमको करा देते हैं। इसीलिए वो गुरु जो है वो शिव कहे जाते हैं। इसलिए गुरु का जो शरीर है वही गुरु लिंग है, उसी में शिव जी की पूजा करना चाहिए। ये शिव पुराण शास्त्र के अनुसार लिंग भेद हमने आपको बताए, पुराण में बताया गया है कि ऐसे ही लिंगों की पूजा करना चाहिए, इसी से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है।